तभी आपने ताली बजानी चाहिए। देश को खड्डे में डालने के लिए डालने वाले लोगों के लिए आप अपने स्वार्थ के लिए ताली बजाते हैं तो अगला जन्म सिर्फ ताली बजा बजा कर मांगने से नहीं मिलेगा। ताली बजा सकते हैं जोरदार गुलाबी तक। मान लो कि रक्तचाप बढ़ जाता है, हाई बीपी की शिकायत होती है, वैसे भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36-37 है, और मुझे पता चला कि दिल्ली में 3 तक पहुंच गया था, तो मैं बहुत सारे स्वेटर और जर्किन और अंदर के वुलन वेयर्स भी लेकर आ गया। यहां पर आने के बाद पता चला कि यहां का आज का टेम्परेचर 18 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा हाई बीपी अगर हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत सारी दवाइयां खाते हैं। तो बहुत सिंपल है कि जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है उन लोगों ने क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि रक्तचाप बढ़ने लगे कुछ मत सोचो भाई, रक्तचाप बढ़ने लगे कुछ मत सोचो भाई, कसम राम की खाए के, कसम राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय, तुरंत छोड़ दो चाय। 1760 के पहले इस देश में कोई भी चाय पीता नहीं था, कोई छास पीता था, कोई जूस पीता था, फल के रस पीते थे, लस्सी पीता था, दूध पीते थे, मगर चाय कोई नहीं पीता था क्योंकि यहाँ के लोगों का टेम्परेचर जो है वो 36-37 है और ज्यादातर मतलब नॉर्मल ही होता है। तो जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत थी उन लोगों ने चाय इस देश में लेकर आ गई। अंग्रेजों को चाय की जरूरत थी क्योंकि वो बर्फ आच्छादित यूरोप में रहते थे, उनका बीपी भी लो होता था, तो उनको चाय और कॉफी की जरूरत थी। मगर आज हमारे देश में चाय कॉफी को, चाय को राष्ट्रीय पेय बनाने की भी कुछ लोगों ने ताकत आजमाई कि इस पेय को राष्ट्रीय पेय बना दिया जाए। छाछ राष्ट्रीय पेय हो सकता है, लस्सी हो सकती है, पर चाय कहां से हो सकती है? तो पता चलता है कि बाल अगर झड़ने लगे तो क्या करें। बाल जो झड़ने लगे गंजापन आ जाए, जिन लोगों को अनुवांशिकता रूप से बाल झड़ते हैं उनकी बात अलग है, मगर कुछ लोगों के बाल अगर झड़ते हैं तो समझ लो कि उनको एक बड़ा रोग आने वाला है, क्योंकि जब भी कोई झाड़ खत्म होने वाला होता है, उसकी समाप्ति होने वाली होती है, सबसे पहले पत्तियां गलती, बाल झड़ जाते हैं, तो बड़े रोग आपको आने वाला है। या फिर आप शैम्पूज यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो उसलिए भी बाल झड़ते ही डैंड्रफ से झड़ते हैं, मगर ज्यादा मात्रा में अगर झड़ने लगे तो बड़ा रोग कोई आ रहा है, आपको उसके तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो बाल जो झड़ने लगे गंजापन आ जाए, बाल जो झड़ने लगे गंजापन आ जाए, नींबू बीज को पीस कर सर पे रोज लगाए, सर पे रोज लगाए। नींबू हम निचोड़ लेते हैं, उसके बीज बेच देते हैं, यही नींबू, हाँ आपके ज्यादा बाल झड़ जाते हैं, तो नींबू बीज जो है बच जाते हैं, नींबू बीज को अगर हम उसका पेस्ट बनाकर जहां पे बाल झड़ रहे हैं वहां पर अगर लगाते हैं तो हमको बहुत अच्छा उसका असर प्राप्त होता है। ऐसे हजारों दोहे मैंने लिखे हैं, उन 7000 सूत्रों को मैं दोहे स्वरूप में कन्वर्ट करके लोगों को वो औषधियां बताता हूँ और भाषण भी देता हूँ कि किस तरह से हमने स्वस्थ रहना चाहिए। राजू भाई के इसी स्वदेशी के कार्य को आगे ले जाने का एक मकसद है। स्वदेशी का एक गीत आपके समक्ष रखता हूँ जो राम प्रसाद सिंह साहब ने उसको लिखा था कि स्वदेशी की परिभाषा क्या होनी चाहिए। महात्मा गांधी के उस आश्रम से मेरा संबंध रहा, जब मेरी उम्र 12 वर्ष की रही मैं राजू भाई को 92 में मिला, पर रुपेश भाई से 97 में मुलाकात हुई। प्रोफेसर धर्मपाल जी के सानिध्य में हम लोग स्कूल से निकलकर और वहां के बड़े बड़े इतिहासकारों को हम लोग सुनते रहते थे, गांधी जी के स्कूल में हम पढ़ते थे, तो वहां पर उनके जो संस्कार हुए तो आज भी
मुंबई में 2004 को राजू भाई ने मुझे भेजा कि जाओ और लोक कलाओं को इस देश की बचाना है, उनका एक मकसद था। तो उन लोक कलाओं को बचाने का मैं कार्य में उस डिपार्टमेंट में हूँ एज ए प्रोफेसर। पता चला कि मुंबई में जाकर अगर कोई इंसान जो है स्वदेशी की राह भटक सकता था, मगर स्वदेशी महात्मा गांधी जब वर्धा में आए 1936 में, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि स्वदेशी की बात क्या है। तो महात्मा गांधी ने कहा चमनालाल बजाज जी को, जिन्होंने आमंत्रण दिया था साबरमती आश्रम में मैं नहीं रहूंगा, तो उसके बाद में आप वर्धा आइए। तो वर्धा में जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने कहा कि मेरा घर जब बनेगा वर्धा में तो मेरी तीन शर्त है। एक शर्त है कि वो घर जो बनेगा वो 500 रुपए से ज्यादा से नहीं बनना चाहिए। 499 रुपए अगर खर्च होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मगर 500 रुपए 50 पैसे भी अगर बढ़ गए तो मैं उस घर में रहने नहीं आऊंगा। ये मेरी पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि मैं जहां पर भी बैठूं वहां से मुझे आकाश दिखना चाहिए उस घर से। तीसरी मेरी शर्त है कि ये जितना भी मटेरियल और इस घर को बनाने वाले लोग होंगे वो 20 किलोमीटर के अंदर के ही होने चाहिए, सामान और लोग, काम करने वाले कारीगर। तो दुनिया भर के आर्किटेक्ट आ गए, कोई रूस से आया, जर्मनी से आया, इटली से आया, मगर वो उस घर को नहीं बना सके, 500 रुपए में कैसे बनेगा। और ये 1936 की बात है। तो जमनालाल बजाज जी ने कहा महात्मा गांधी जी आप जो है ना एक बापू एक झोपड़ा बना लो, ये घर तो नहीं बन सकेंगे। तो उन्होंने कहा देखो 500 रुपए तो तुमको ही देने हैं। जमनालाल बजाज जी ने कहा कि मेरा पूरा एक ब्लैंक चेक साइन करके आपको मैंने देकर रखा है, आप कितना भी अमाउंट डालकर उसमें आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। मगर महात्मा गांधी ने कहा कि देखो वो तो देश के काम के लिए, मुझे तो ये 500 रुपए मेरे घर के लिए तुमको ही देने हैं। फिर दुनिया भर के लोग आ गए, उन्होंने देखा कि ये तो डिजाइन ऐसे नहीं बन सकता जैसे महात्मा गांधी चाहते हैं। तो महात्मा गांधी ने खुद डिजाइन किया, सेवाग्राम की वो बापू कुटी, आप सब लोग आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। उसी बापू ने कहा कि 20 किलोमीटर के अंदर का क्यों, जहां पे भी आप रहते हैं उसको आप एक घेराव अगर बना ले, गोल बना ले, एक परिधि बना ले, तो 20 किलोमीटर के अंदर की चीज ही एक स्वदेशी हो सकती है, उसके बाहर की सब चीज विदेशी। आज हम उस स्वदेशी को भूल चुके हैं। उसी स्वदेशी के इस संकल्प को फिर से लोगों तक राजू भाई के पहुंचाने के लिए एक संकल्प यात्रा, स्वदेशी संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में निकल रही है। इसी स्वदेशी के गीत को लेकर आपके समक्ष ये गीत रखता हूं। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं जो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, जो गांव में बना हो और गांव में खपा हो, जो गांव में बना हो और गांव में खपा हो, जो गांव को बसाए, जो गांव को बसाए, वो चीज है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वो चीज है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी,
मेरा हो तन स्वदेशी, चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, गर मौत भी पुकारे, गर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बनेगा अब स्वावलंबी, बनेगा अब स्वावलंबी, वह नीति हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। दोस्तों डफली बजा बजा